एक जहर है, शक से बचो, शक एक कहर है, शक से बचो, शक एक जहर है, शक से बचो, शक एक कहर है, शक से बचो, बुरी ये डगर है, शक से बचो, एक जहर है, शक से बचो, शक एक कहर है, शक से बचो। शक तोड़ डाले दिलों के घरों दे, शक प्यार के गुलशन को रो दे, जहर है जहर से बचो, ये सा जहर है जहर से बचो। कौन लड़की? जो मॉल में मिली थी। बताया तो उसका नाम संजना है। एक ही सवाल कितनी बार करोगे? ओह, और तुमसे पर्चे भी तो करा दिया था। नहीं, मैं केवल इतना जानना चाहती थी कि वो लड़की है कौन। अरे एक लड़की है। क्यों, वह तुम्हें कुछ और नजर आई क्या? नहीं, ये तो मैं भी देख रही हूँ, वो एक लड़की है, लेकिन वो लड़की है कौन? आप लोग आ गए? हाँ काका, आप इन सामान को उठा के भीतर हमारे कमरे में रख दीजिए और हमारे लिए 2 कप चाय बना के ले आइए। अभी लाए बेटिया। तुम औरतें बड़ी शक्ति होती, मर्द के साथ किसी पराई लड़की को देखा नहीं कि हजारों सवाल खड़ी कर देती है। क्यों, तुम मर्द शक्की नहीं होते? अपनी पत्नी को पराए मर्द के साथ देखकर क्या तुम खामोश रहते, सवाल नहीं करते? अरे नहीं रागनी, नहीं, ये हालात वहां पैदा होते हैं जहां पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता।
पर हमारे साथ तो वैसी बात नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया, वर्षों तक एक दूसरे को समझा, फिर शादी की। और तुम्हें हमारी शादी का दिन भी याद होगा, हम दोनों ने चर्च में फादर एवं कलिसिया को साक्षी रखकर हमने प्रभु यीशु के सामने क्या करार किया था, कौन सी कसमें खाई थी, यही ना कि सारी जिंदगी हम एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे और सुख दुख में जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मुझे ना तो शादी के दिन चर्च में किया गया वो करार भूला है और न ही मैं आप पर अविश्वास करती हूँ, परंतु पत्नी होने के नाते मुझे यह जानने का पूरा हक है कि आपसे मिलने वाली वो लड़की कौन है। और कुछ सुनाओ बिटिया। नहीं, रहने दीजिए। और बेटा तुम्हारे लिए? नहीं। काका तान्या कहाँ है? अपने कमरे में खेल रही है, बुलाऊं क्या? नहीं, रहने दीजिए, आप जाइए, हम लोग चाय पीकर आते हैं। ठीक है बेटा। मुझे तो लगता है कि तुम उस लड़की के बारे में मुझसे जानबूझ के कुछ छुपा रहे हो। मैं क्या छुपा रहा हूँ? यही कि वो लड़की कौन है, उससे तुम्हारा संबंध क्या है, मॉल में जिस प्रकार हाय करके तुमसे वो मिली और हसत की बातें कर रही थी, उससे तो यही प्रतीत होता है कि तुम्हारी जान पहचान बहुत पुरानी है। किसी से जान पहचान होने में क्या बुराई है? और संजना पहले इसी मोहल्ले में रहा करती थी। बस इतना ही या और कुछ? तुम सुनना क्या चाहती हो? क्या मैं संजना से प्रेम करता था या मैं संजना से प्रेम करता हूं? तुम जब संजना के बारे में ठीक से जानोगी तो हो सकता है तुम्हें अपने ऐसे ख्याल के बारे में अफसोस होगा रागिनी, बहुत अफसोस होगा। वक्त आने दो, सब बता दूंगा। पापा पापा, गोपाल काका कहते हैं मेरा बर्थडे आने वाला है, कब है मेरा बर्थडे? इसी रविवार को। बड़ी धूमधाम से बर्थडे मनाएंगे हम अपनी बिटिया का। अशोक, देखो मैंने कहा था ना कि मैं कभी कुछ नहीं भूलती, मुझे तान्या का बर्थडे याद था। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये कौन है पापा? मैं तुम्हारी संजना आंटी हूँ, तुम्हारे पापा की अच्छी फ्रेंड। आखिर अशोक तुम्हारे चक्कर में आ ही गया। So handsome. वो लड़की पार्टी में क्यों आई थी? किसने बुलाया था उसे? मैंने बुलाया तो नहीं था, सिर्फ जिक्र किया था। तुमने नहीं बुलाया था तो फिर कैसे आई? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में आने की? बिल्कुल रागिनी, हर बात को बतंगड़ मत बनाया करो। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? और नहीं तो क्या, संजना आगे कौन सा पार्ट उठ गया? हा? उसका गेस्चर देखो, गेस्चर। उसने तान्या तो को महसूस नहीं होने दिया कि वह इस घर के लिए अजनबी और गैर है, और तुमने
वह पहली बार मेहमान के रूप में तुम्हारे घर पे आई थी ना, भले मन से एक गिलास पानी तक ले नहीं पूछा। तुम पूछ रहे थे ना? तो क्या करता, तुम्हारी इज्जत का ख्याल करके मुझे पूछना ही था। तो पूछते रहो, मुझे नहीं बनना ऐसी भली औरत। कोई मेरी जिंदगी पर ढाका डाले अब मैं उसे पूछती रहूं, मुझसे ये नहीं होने वाला। अरे संजना डाकू नहीं, बहुत भली लड़की है। हो सकता है उस दिन मेरे मुंह से तान्या की बर्थडे की बात निकल आई हो, इसलिए वो आ गई होगी। तुम जब उसके बारे में पूरी तरह जानोगी। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, मैं उसे दोबारा अपने घर में देखना भी नहीं चाहती। आज बर्थडे पार्टी के बहाने, कल किसी और बहाने से आएगी, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं उसे मना कर दूंगा, वो नहीं आएगी। अरे बाबा अब तो मान जाए। मसीही सत्संग आश्रम, आप सबों को इस आश्रम में स्वागत है। यह आपका घर है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति किसी धर्म के किसी जात के क्यों ना हो, यहाँ पर अपना घर समझकर अंदर आए और घर को अपनाए। ईश्वर के संतान अपने आप को समझकर इसको स्थापित किया है। तो आज हम मिलकर यह इसका लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में साथ हैं। मसीही सत्संग आश्रम, हमारी पहचान। आध्यात्मिक रूप में प्रशिक्षण एवं रोजगार के द्वारा अपनी संस्कृति, लोक शैली, भाषा एवं स्थानीय कला को सही दिशा प्रदान करने के लिए प्रयासरत। भोजपुरी एवं मगही भाषा में लोगों ईश पुत्रत्व का गर्व का प्रचार हमें आत्म त्याग, सेवा एवं मेल मिलाप बुलाहट की ओर प्रेरित करता है।
पारंपरिक अवसरों जैसे शादी, मंडन, मिस्सा, बलिदान के लिए अपनी भाषा में गाए जाने वाले गीतों की रचना 5 पुस्तकों के रूप में 80 गांव में वाद्य यंत्र, 85 ऑडियो कैसेट्स एवं सीडी निर्माण, 110 गांव में 45 छात्रावासों में इनका उपयोग। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए मंडली के सारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। रोजगार, जूता चप्पल बनाने का प्रशिक्षण, कपड़ा सिलाई का प्रशिक्षण, रेक्सिन बैग बनाने का प्रशिक्षण एवं आत्मनिर्भर होने का पहल। कृपया अपना सुझाव, सहयोग एवं दान करने हेतु संपर्क करें। मसीही सत्संग आश्रम, क्रिश्चियन कॉलोनी, कुर्जी मोड़, पोस्ट बॉक्स सदाकत आश्रम, पटना 10। आज आने में बहुत देर कर दी। हाँ, अब मुझे रोज ही देर हुआ करे।
बतलाती हूँ भैया, पहले देख के आती हूँ गोपाल काका इतनी देर क्यों कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ दिखता है राकेश। मैं समझा नहीं। अब रानी बताएगी तभी तो पता चलेगा ना। पर ऐसा लगता है रानी और अशोक के बीच में जरूर कुछ पक रहा है। क्या कुछ कह रही हो भाभी? चुती करे कि तुम्हारे घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अशोक के आजकल ओवर टाइम करने लगा है? नहीं, एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया है। क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? उनकी तनख्वाह में तो तुम्हारा और तुम्हारे घर का खर्च तो आराम से चल रहा था। चल तो रहा था भाभी, लेकिन कहने लगे तानिया अब बड़ी हो गई है, उसके स्कूल के खर्चे बढ़ेंगे और पैसों की जरूरत है। मुझे तो इसमें जमाई बाबू की कोई चाल नजर आती है। अरे मर्द को जब धोखा देना होता है ना तो ऐसे ही बात करके फुसलाता है। क्या कहती हो भाभी? तो बड़ी भोली है रागनी, मर्द जात को नहीं पहचानती। अरे इनके नाक में नकेल डालकर जोर अपने हाथ में रखनी चाहिए, जैसे मैं तेरी भैया की रखती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता भाभी, मैं क्या करूं? कोई बात हुई है तो बताना, तब तो मैं बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एक लड़की है संजना, पहले इन्हीं के मोहल्ले में रहती थी। पहली बार मॉल में मिली और दूसरी बार तानिया की बर्थडे पार्टी में घर पर आधम की। मुझे लगता है उस लड़की के साथ इनके। और तुमने अशोक पर विश्वास कर शाम का समय उस लड़की के साथ बाहर गुजारने के लिए छोड़ दिया? अशोक ने कहा और तुमने मान लिया कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है? अरे पगली, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं, पार्ट टाइम इश्क है इश्क। और ये पार्ट टाइम जब फुल टाइम हो जाएगा ना तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। हाँ तो मैं क्या करूँ? इससे पहले तुम पता लगाने की कोशिश करो कि अशोक शाम के समय कहाँ और किसके साथ गुजारता है। तुम चिंता नहीं करो रागनी, अगर ऐसी कोई बात हुई तो सीधे मायके चली आना, हम है ना अशोक से हम निपट लेंगे। हाय, आज सचमुच बहुत देर हो गई, बॉस ने आधा घंटा पहले बुलाया था।
आप किसे ढूंढ रही हैं? मिस्टर अशोक को। वो इतने समय तक दफ्तर में रहते हैं। एक लड़की आती है, उसी के साथ उनके दफ्तर में चले जाते हैं। ये ठीक कहते हैं। आपको अशोक से मिलना है तो उस लड़की के दफ्तर में जाना होगा। इस वक्त वो वहीं मिलेंगे। कहाँ? हिल सिटी घाट मुस्कान परियोजना के ऑफिस में। मुझे नहीं मिलती संजना, तो ना जाने क्या होता। मेरे जीवन में अंधेरा ही छाया रहता। मैं रागिनी को लेकर बहुत परेशान था। अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होने जा रही है। मैंने सारे पेपर्स रेडी करवा दिए हैं, सिर्फ रागिनी के सिग्नेचर हो जाए और तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। रागिनी के सिग्नेचर हो जाए, नेचर हो जाए, नेचर हो जाए और तुम्हारी सारी परेशानियां सारी परेशानियां खत्म। रागिनी के सिग्नेचर हो जाए, नेचर हो जाए और तुम्हारी सारी परेशानियां सारी परेशानियां खत्म। अरे इस तरह अंधेरा करके क्यों बैठी हो? जिसके जीवन का चिराग बुझ गया हो उसके जीवन में अंधेरा नहीं तो उजाला कहां से होगा? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम रागिनी? मैं तो तुम्हारे जीवन को प्रकाश की किरणों और चांद सितारों की तरह रोशनी से भर देने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूं। रहने दो, बहुत हो चुका नाटक। झूठ और छलावी की भी हद होती है। तुम तो उसको भी पार कर गए मिस्टर अशोक साहब। अब कान खोलकर सुन लो, मैं घर छोड़कर जा रही हूं और अपने साथ तानिया को भी लेके जाऊंगी। लेकिन क्यों? ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। आखिर मैं भी तो सुनूं, किस अपराध पे तुम मुझे इतनी बड़ी सजा देने जा रही हो? क्यों, क्या तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, गलती मेरी है जो मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हारे फरेब को प्रेम समझा, तुम्हें अपना दिल दिया, अपना जीवन संगी बनाया, उसी की सजा आज मुझे मिल रही है। क्या तुम मुझे जुलून बके जा रही हो? हाँ, तुम जरूर गलतफहमी की शिकार हो या फिर किसी ने झूठ मूठ तुम्हारा माथा खराब कर दिया। इधर मेरी तरफ देखो। मत छो मुझे, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। क्या हो गया है तुम? मेरी आंखें खुल गई हैं। आज सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तुम किस सच की बात कर रही हो राधा? यदि तुम सच्चाई जानती होती तो कभी ऐसा नहीं कहते। मुझे झुठलाने की कोशिश मत करो अशोक, अब मैं और तुम्हारे धोखे में आने वाली नहीं हूँ। इधर मैं देख रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में जहर ज्यादा ही भर गया है। मैं तुम्हें जितना भी विश्वास दिलाने और सच्चाई बताने की कोशिश करूं तुम नहीं मानोगे। ठीक है, तुम्हारे मन में जो आए वही करो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं ताकि बाद में तुम्हें अपने किए का अफसोस ना हो। तुम लोगों का खाना लगा दो बेटे। मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खाकर आया हूं। रागिनी से पूछ लीजिए। मुझे भूख नहीं है काका, आप खाकर आराम कीजिए। तान्या खा चुकी? हाँ, उसे खाना खिलाकर सुला दिया है। ठीक है, आप भी जाइए और खाकर सो जाइए।
चल, मैं जा रही हूँ मिस्टर अशोक, मुझे बुलाने हरगिज मत आइएगा। ये क्या कर रही हो बहू? भला इस प्रकार कोई अपना घर छोड़ता है? ये घर तुम्हारा है बेटी। अरे मर्द और औरत में तो झगड़े होते ही रहते हैं, इसका मतलब क्या कोई अपना घर छोड़कर चल देता है? अशोक को मैं बचपन से जानता हूँ, अशोक को मैंने अपने हाथों से खिलाया है। अगर उससे कोई गलती नहीं हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटी। घर छोड़कर मत जाओ बेटी, मत जाओ। काका बेटा रोक लो बहू रानी को, घर की लक्ष्मी का इस प्रकार रोक कर जाना ठीक नहीं है बेटा, इसे जाने से रोक लो। काका वह जाना चाहती है तो उसे जाने दो, उसके बगैर मैं अकेला ही रह लूंगा। लेकिन तान्या बिटिया तुम हमारे साथ नहीं चलोगे पापा? कोई नहीं है तुम्हारा पापा, चुपचाप चलो। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। मसीही सत्संग आश्रम
आप सबों को इस आश्रम में स्वागत है। यह आपका घर है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति किसी धर्म के किसी जात के क्यों ना हो, यहाँ पर अपना घर समझकर अंदर आए और घर को अपनाए। ईश्वर के संतान अपने आप को समझकर इसको स्थापित किया है। तो आज हम मिलकर यह इसका लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में साथ हैं। मसीही सत्संग आश्रम हमारी पहचान। आध्यात्मिक रूप में प्रशिक्षण एवं रोजगार के द्वारा अपनी संस्कृति, लोक शैली, भाषा एवं स्थानीय कला को सही दिशा प्रदान करने के लिए प्रयासरत। भोजपुरी एवं मगही भाषा में लोगों ईश पुत्रत्व का गर्व का प्रचार हमें आत्म त्याग, सेवा एवं मेल मिलाप बुलाहट की ओर प्रेरित करता है। पारंपरिक अवसरों जैसे शादी, मंडन, मिस्सा, बलिदान के लिए अपनी भाषा में गाए जाने वाले गीतों की रचना 5 पुस्तकों के रूप में, 80 गांव में वाद्य यंत्र, 85 ऑडियो कैसेट्स एवं सीडी निर्माण, 110 गांव में 45 छात्रावासों में इनका उपयोग। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए मंडली के सारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। रोजगार, जूता चप्पल बनाने का प्रशिक्षण, कपड़ा सिलाई का प्रशिक्षण, रेक्सिन बैग बनाने का प्रशिक्षण एवं आत्मनिर्भर होने का पहल। कृपया अपना सुझाव, सहयोग एवं दान करने हेतु संपर्क करें। मसीही सत्संग आश्रम, क्रिश्चियन कॉलोनी, कुर्जी मोड़, पोस्ट बॉक्स सदाकत आश्रम, पटना 10। मम्मी, पापा कब आएंगे? अब वो कभी नहीं आएंगे। मम्मी, मुझे पापा की बहुत याद आती है, मुझे पापा के पास ले चलो ना, मेरे पास ले चलो। चुप करो, चुपचाप सो जाओ, मुझे तंग मत करो। मम्मी, मुझे पापा के पास जाना है, अपने घर जाना है, अपने घर चलो, पापा के पास। कोई नहीं है तुम्हारा पापा वापा, अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हें रहना है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये नानी जी का घर है। अपना गुस्सा इस मासूम पर क्यों उतार रही हो? आखिर इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मम्मा, मैं यूं ही बहुत परेशान हूँ। यह हमेशा पापा पापा की रट लगा के मुझे परेशान करती रहती है। कहती है अपने घर चलो, ये नानी का घर है। बच्ची तो ठीक ही कह रही है रागिनी, यह उसका अपना घर नहीं, यह तो उसका नानी का ही घर है। फिर बच्चे अपने मम्मी पापा की रट ही तो लगाएंगे, नहीं तो किसे खोजेंगे? मैं उस आदमी का नाम तक सुनना नहीं चाहती मम्मा, जिसने मेरा विश्वास तोड़ा है। बेटी, तुम गुस्से में हो सकता है कि सच्चाई कुछ और तुमने सच्चाई को जाने बगैर ही। नहीं मम्मा, सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती तो और बात थी, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झूठ मान लूं? कभी कभी आंखों देखी बातें भी सच नहीं होती है रागिनी, तुम्हें धीरज और समझदारी से काम लेना चाहिए था। विवाह के बंधन कच्चे धागों से नहीं बंधे होते, जो शक और गलतफहमी के हल्के झटकों से टूट जाए। तुम्हारे पापा ने ठीक ही कहा, इन्हें मजबूत बनाने के लिए प्यार, धैर्य, समझदारी और समर्पण की जरूरत होती। भुलाना चाहता।
अंधेरा दूर करने जो खुद अंधेरे में डूब गए। मैं नहीं आती तो पता भी नहीं चलता क्या हालत बना रखी है अपनी। आईने में सूरत देखी है? आज कई दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रहे हो। तुम्हारी छुट्टी के बारे में किसी को मालूम नहीं है? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताना चाहते? मत बताओ। लेकिन तुमने जो काम दिया था वो हो गया है। मैं तुम्हें यही बताने आई थी। तुम्हारी ये पेपर्स रेडी है, बस इन पे तुम्हारी मिसेस के सिग्नेचर चाहिए। अब इसके कोई जरूरत नहीं समझना। इसे वापस ले जाओ या फाड़ कर फेंक दो। क्यों? क्योंकि सब कुछ हद हो गया। जो सपना मैंने देखा था वह जलकर राख हो गया। संजना राख हो गया। अपने इस घर को अशोक बेटे ने खुद आग लगाई है बेटी। मैंने कितनी बार कहा बहू रानी को रोक लो, पर इसने मेरी एक न सुनी। काका, तुम रागनी का मायका देखे हो? हाँ बिटिया। मुझे वहां ले चलोगे? नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। वो तुम्हारा अपमान कर देगी। अपने मान अपमान चिंता मैं खुद कर लूंगी अशोक, तुम निश्चिंत रहो।
मैं मिसेस रागनी, मेरा नाम संजना कोहली है। मुझे मालूम है। और मैं आपके पति मिस्टर अशोक की अच्छी फ्रेंड हूँ। मुझे वो भी मालूम है, तुम मेरे पति की अच्छी फ्रेंड हो या और कुछ। आप मेरी बर्थडे वाली आंटी है ना? हाँ बेटा। आप मुझे पापा बस ले चलेंगे आंटी? जरूर, क्यों नहीं। खबरदार जब मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। मम्मी, मैं आंटी के साथ पापा के पास जाऊँ? चुप, जब जब तक पापा पापा मर गए तुम्हारे पापा। बच्ची को क्यों मारती हो? इस मासूम बच्ची पे हाथ उठाते हुए तुम्हें कष्ट नहीं होता? मेरी बेटी है, मैं चाहे जो करूं। तुम कौन होती हो बोलने वाली? ठीक ही तो कहती है यह लड़की, तेरी बेटी है तो क्या तू इसे मार डालेगी? हाँ हाँ, मैं मार डालूंगी। पागल हो गई हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जिसका घर संसार उजड़ गया हो वो पागल नहीं होगी तो और क्या होगी? मामा, यही वो लड़की है मामा, जिसने मेरा संसार उजाड़ दिया है। मामा, कैसे है ये कागजात? आप खुद ले पेपर लीजिए। जरूर तलाक के पेपर होंगे मामा। हाँ, तलाक नामा है। देखा मामा, देखा, मर्द कितने स्वार्थी और बदजात होते हैं। मुझसे मन भर गया तो दूसरी रख ले, और उससे भी मन नहीं भरा तो मुझे हमेशा के लिए दूर करने को ये तलाक नामा भेज दिया। आप तलाक से इतना डरती क्यों मिस रानी? आप ही तो अशोक को कहकर आई थी कि अब आप उस घर में कभी दोबारा नहीं लौटेंगी। तुम कौन होती हो ये तय करने वाली कि मेरी बहन उस घर में वापस जाएगी या नहीं? वह उसका घर है, जब इच्छा होगी तब जाएगी। आप रागिनी के बड़े भैया हैं ना? आपने ही रागिनी को तकलीफ होने पर मायके चले आने के लिए कहा था, लेकिन क्या कभी सच्चे दिल से आपने उसकी तकलीफ को जानने की कोशिश की, भीतर की सच्चाई को जांचने की चेष्टा की? नहीं। चुप, बहुत बोल रही हो तुम। एक तो चोरी और उस पर सीना जोड़ी, पहले तो मेरी ननद का घर उजाड़ा और अब। मैं आप सुबह से बहस करने नहीं आई, मैं आई हूँ ये पेपर्स लेकर, और चाहती हूँ साथ ही इन पे साइन कर दूँ। नहीं मामा, नहीं, मैं इन पेपरों पे हस्ताक्षर नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। क्यों? तलाक के नाम से डर लगता है। हर शादीशुदा औरत को तलाक के नाम से डर लगता है। रागिनी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? चली जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम पे तरस आता है। रागिनी, तुम अशोक को छोड़कर आने के बाद भी तुम उसके मुंह को नहीं छोड़ पाई हो। यदि ऐसा था तो वह घर छोड़कर आई ही क्यों? वहां से आने के बाद क्या तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे घर छोड़कर आने के बाद अशोक पे क्या गुजरी होगी? जिसके साथ तुमने जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई थी, करार किया था, तुमने दो इंसानों के बीच के रिश्ते को सिर्फ मर्द और औरत के नजरिए से देखा, किंतु इंसान ने अपने लिए कई और रिश्ते बनाए, माँ, पिता, भाई, बहन, भाभी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने विवाह की परंपरा रखी, ताकि इंसानों का समाज पशुओं का समाज न बन जाए। तुम्हारे पेपर्स में देख सकता हूँ बेटी? अवश्य अंकल। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है रागिनी, ये तलाक के कागजात नहीं है, ये बैंक के पेपर्स हैं। बैंक के पेपर्स? हाँ। कैसे बैंक के पेपर्स? तुमने कभी बैंक लोन की बात कही थी उनसे? नहीं तो। हाँ,
याद आया, एक बार मैंने अशोक से कहा था कि मैंने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है, यदि बैंक से लोन की व्यवस्था हो जाए तो हम लोग गारमेंट्स बनाने का अपना कारखाना खोल लें। ये हमारा सपना है। और तुम्हारे इसी सपने को साकार करने में अशोक लगा हुआ था। ये क्या कह रही हो? सच कहती हूँ, और यही मेरे अशोक के रिश्ते का सच है। जिस दिन अशोक अचानक बहुत दिन बाद मॉल में मिला, उसने तुम्हारे सपने के बारे में बताया। हाय अशोक। हाय संजना। कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिले। जब से तुम मोहल्ला छोड़ गई, अपने यार दोस्तों के ही भूल गई। हाँ। ओह नो, ये तुम्हारी मिसेज है? बड़े बेईमान हो, चुपके से शादी भी कर ली और सामने खड़ी है, मुझसे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया। अभी करवा देता हूँ। ये मेरी पुरानी मित्र संजना और ये है मेरी मिसेज रागनी। मैंने दोस्त होने के नाते उससे हर तरह की मदद का वादा किया। मेरे डैडी कैनरा बैंक में जनरल मैनेजर हैं। मुझे भरोसा था कि उनकी मार्फत काम हो जाएगा। लेकिन वो रोज शाम को तुम्हारे साथ कहाँ जाते थे? लोन की प्रोजेक्ट और प्रपोजल तैयार करने में अशोक की जरूरत थी। इसके अलावा मार्जिन मनी फंड के लिए मैंने उसे अपने ऑफिस में ही पार्ट टाइम जॉब पे रखवा दिया। ओह, तुम दोनों मेरा सपना पूरा करने में लगे थे और मैं तुम दोनों के रिश्ते पर शक कर रही थी। अगर ऐसा ही था तो ये बात अशोक ने रागिनी को क्यों नहीं बताई? अशोक रागिनी को सरप्राइज देना चाहता था, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे सरप्राइज गिफ्ट। ओह, मैं सचमुच ही गलत थी, मुझे इंतजार करना चाहिए था, धैर्य रखना चाहिए था। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटी। मामा, मैं अभी इसी वक्त अपने घर जाऊंगी, पता नहीं मेरा अशोक कैसा होगा। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है रागनी। मैंने तुमसे ये सब छुपाया, तुम्हारे भीतर शक को पनपने का मौका दिया। मुझे बताया होता तो मैं भी तुम्हारी भागीदार होती अशोक, यह गलत फहमी तो नहीं पैदा होती। और मैं संजना जैसी नेक दिल लड़की की अपराधिनी तो नहीं बनती। कैसे बात करती हो भाभी? मुझे अपनी कोशिश पे पूरा यकीन नहीं था रागनी, मैं डरता था यदि मुझे सफलता नहीं मिली तो तुम्हें सदमा लगेगा। वो सदमा तो इस सदमे से कम होता। 5 दिनों में क्या हालत बना रखी है अपनी रागनी। अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। हाँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी अशोक, कभी नहीं जाऊंगी। अब हमारा तो कोई काम रहा नहीं तो हम चलते हैं। बड़ी मार मारूंगी, तुम मेरी सौत नहीं छोटी बहन हो, छोटी बहन। एक मिनट, एक मिनट। एक फैमिली फोटो है। रेडी। ये टगर है
से बचो। शक एक जहर है, शक से बचो। शक एक कहर है, शक से बचो। शक की कोई भीत नहीं होती, शक की कभी जीत नहीं होती। शक की कोई भीत नहीं होती, शक की कभी नहीं होती। नाता नहीं है हकीकत से इसका, नाता नहीं है हकीकत से इसका। ये ऐसा भंवर है, भंवर से बचो। ये ऐसा भंवर है, भंवर से बचो। बुरी ये डगर है, शक से बचो। बुरी ये डगर है, शक से बचो। शक एक जहर है, शक से बचो। शक एक कहर है, शक से बचो। शक एक जहर है, शक से बचो। शक एक कहर है, शक से बचो।